अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी किसी नहीं है भाई, अभी हम जा रहे हैं जिम में, तो इसलिए जो है मैं बाहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी मौसम जो काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ये देखो मौसम भाई सही धूप निकली हुई है। पिछले कुछ दिनों से जो है बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है ना फाइनल जो है मौसम अच्छा हो चुका है। तो अभी जो ना पहले मुझे जाना है मैकडोनल्ड में जो है ना नाश्ता करने के लिए। नाश्ता वैसे मैं घर आया था, लेकिन अभी जो है लंच समझ लो, लंच करके उसके बाद जो है ना जिम में जाते हैं, लेकिन पहले मैकडोनल्ड। तो चलो भाई मैकडोनल्ड पहुँच के मिलते हैं आपको। तो अभी मैकडोनल्ड तो आ चुके हैं भाई, ये रहा अपना मील, ये फिनिश करते हैं उसके बाद जो है ना चलते हैं जिम में। देखो फिश बर्गर ऑर्डर किया है, और जो है ना ये इससे भाई जो है चिप्स ही खाने होती है, प्लेन चिप्स नहीं खाने होती यार, केचप के साथ भी मुश्किल है। ये डालो ना फिर भाई, थोड़ी बहुत सीजनिंग हो जाती है, ये खा लेता है बंदा आराम से। A few moments later. तो गाइस अभी जो है ना मैकडोनल्ड वगैरह भी खा लिया है, अभी जो है ना मिनी बस ले गया, अभी चलते हैं जिम के पास। ये मिनी बस भाई जो है ना अपने जिम के पास जो है ना उतारेगी, चलते हैं अंदर। A few inches later. आ चुके हैं जिम में, आज है भाई बैक एंड बाइसेप वर्कआउट। तो पहले जो है ना वार्म अप करने आए हैं इस रूम में, इधर जो है ना भाई वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है ना अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वार्म अप आपको पता है भाई बहुत ज़रूरी होता है हर वर्कआउट से पहले, इंजरी अवॉइड करने के लिए। तो कल जो है ना ये रूम ऑक्यूपाइड था, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर नहीं वीडियो स्टार्ट कर पाया, क्योंकि जो है ना यहाँ पर जो है ना योगा क्लासेस होती हैं लोगों की, बट आज नहीं थी। तो मैंने कहा भाई आज यहीं जो है ना आके वार्म अप करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से भाई 5 to 10 minutes का वार्म अप करते हैं, उसके बाद जो है ना अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेचिंग डन हो चुकी है, अभी पहले करते हैं भाई बैक वर्कआउट। तो यूजली मैं स्टार्ट करता हूँ एक जो है ना रोप से, ऐसे रोप पकड़ के भाई जो है ना बैक थोड़ी बहुत स्ट्रेच होती है उससे जो है ना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले उसी जो है ना मशीन में चलते हैं, केबल के साथ करना पड़ेगा सिर्फ स्ट्रेचिंग, उसके बाद जो है ना प्रॉपर बैक वर्कआउट स्टार्ट होगा। तो चलो भाई, तो पहले इससे शुरू करेंगे, ये लगा लिया मैंने, देखो इसे पर स्ट्रेचिंग करेंगे भाई, इससे भाई स्ट्रेच सही मिलता है। तो दो सेट्स के करते हैं, उसके बाद जो है ना एक्चुअल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये भी वैसे एक्चुअल वर्किंग सेट ही है। तो अभी भाई सिंगल हैंड रोज करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। Oh.
इसको एक और सेट करना है। अभी बैठ गए सिंगल रोज। तो अभी इधर आ चुके हैं, इसके हमें करने भाई दो सेट, उसके बाद जो है ये बार चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने इस बार में स्विच कर दिया है इसको भाई, ऐसे ऐसे पुल करना है हमने अंडर हैंड ग्रिप की तरह से। इसका एक ही सेट है इस बार से, फिर जो है डिफरेंट बार ट्राई करेंगे। Yeah.
और अभी हम ये वाला बार यूज़ करेंगे। ये मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है मेनली अपर बैक के लिए होती है, और जो है ये मैंने पहने हुए स्ट्रैप्स, जिनको नहीं पता ना ये यूज़फुल होते हैं काफ़ी, जो ना आपके जो हाथ जो है ना थोड़े बहुत प्रोटेक्ट होते हैं, इससे आपको इतना दर्द नहीं होता हाथों से, तो ये काफ़ी सही है। इसके जो है ना हमें दो सेट करने हैं, उसके बाद जो है ना स्ट्रेट बार होगा इससे ही, इसी मशीन के साथ वो अपर बैक के लिए, उसके भी दो सेट, पहले इसके दो सेट करते हैं। तो अभी हम यूज़ करें भाई स्ट्रेट बार, ये भी अपर बैक के लिए, इसके भी दो सेट करने हैं, उसके बाद जो है ना फ्री वेट में चलते हैं, अगर वो जगह बुक ना हुई तो फिर भी जाएंगे, बट देखते हैं। पहले ये मकाते हैं भाई दो सेट, फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम करेंगे भाई दो सेट डेड लिफ्ट के 60 केजी के 10 रैप्स, उसके बाद जो है ना बेंट ओवर रोज, अपर हैंड ग्रिप, लोअर हैंड ग्रिप, पहले दो सेट इसके करने पड़ेंगे। नॉर्मल सा वेट है तो 10 रैप जो है ना हमें करने हैं। तो चलो भाई पहला सेट। अभी हम करेंगे बेंट ओवर रोज, अंडर हैंड ग्रिप, दो सेट 10 रैप्स। Yeah.
अभी हमें करें 2 सेट अपर हैंड ग्रिप के। तो अभी हम आ चुके हैं भाई लैट पुल डाउन्स में, इसके 2 सेट करने हैं इस बार के साथ, तो बाकी और भी बार हमें ट्राई करने हैं। पहले इसका जो है ना 2 सेट करते हैं। ये तो मेन एक्सरसाइज है बैक के लिए, आपको पता ही होगा। अभी हमने ये बाहर रख दी है अंडर हैंड जो है ना ग्रिप के साथ, जो है ना नीचे पुल करेंगे। इसके 2 सेट। अभी हम ये बार यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रल ग्रिप का, ये भी जो है ना लैट फोकस्ड है, तो इसके भी 2 सेट। फिर इसके बाद एक और जो है ना बार यूज़ करना है, उसके भी 2 सेट, फिर हम लैट पुल डाउन से फ्री हो जाएंगे, फिर दूसरी मशीन में जाएंगे। लेकिन इसको करते हैं भाई 2 सेट पहले। स्ट्रेट बार में
इसके हमें करने दो सेट, फिर इधर से हम फ्री हो जाएंगे फिर नेक्स्ट मशीन में, मशीन नहीं फ्री वेट डंबल। तो अभी ये करेंगे भाई डंबल सिंगल हैंड रोज, ईच हैंड दो सेट। लास्ट एडवाइस तो गाइस अभी जो है ना हमने बैक वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, अभी हम थोड़ा बहुत बाइसेप करेंगे डिफरेंट वेरिएशंस, उसके बाद जो है ना अपना वर्कआउट फिनिश है। इसके 10 रैप्स करने हैं हमने 8 kg के सीटेड।
ये करना है भाई सिंगल हैंड बाइसेप कर्ल्स केबल के साथ। तो गाइस हमारा बैक और बाइसेप वर्कआउट फिनिश हो चुका है, आप बताना को कैसा लगा।
यही था जो है ना, मैं बैक वर्कआउट जो करता हूँ मैं हमेशा जब भी मेरा बैक डे होता है, और यही जाना जो मैं बाइसेप वर्कआउट जो भी मैं जब भी मेरा बाइसेप वर्कआउट होता है ये मैं यही जो है ना रूटीन फॉलो करता हूँ बोथ बाइसेप और जो है ना बैक की। आप बताना आपको वर्कआउट कैसा लगा। बाकी यही था, अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 3:36 और अभी जाएंगे घर। तो यही था आज के ब्लॉग के लिए, जिसने को दिखाया कल है भाई शोल्डर वर्कआउट। तो कल फिर आपको मिलते हैं। बाकी अभी मैं कल अगर ब्लॉग को एंड लाइक कर देना, कमेंट कर सब्सक्राइब कर देना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता अगला ब्लॉग में, तब तक गुड बाय।